अस्सलाम वालेकुम 10th क्लास इस्लामियत लाजमी का लेक्चर है हमारा। स्टूडेंट्स आज हम अदसुल खामिस का अलिफ शुरू करेंगे, सूरतुल अहज़ाब आयत नंबर 28-34। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। या अय्युहन नबी, ए नबी, कुल, फरमा दें, ले अज़वाजे का अपनी बीवियों से, इन अगर, कुंतुन्ना तुम हो, तुरिदनल चाहती हो, तुरिदनल हयात दुनिया दुनिया की ज़िंदगी, व ज़ीनतहा और इसकी ज़ीनत, फ़तआलैना तो आओ, उमत्तकुन्ना मैं तुम्हें कुछ माल दे दूँ, व उसर्रहकुन्ना और तुम्हें रुख्सत कर दूँ, सराहन रुख्सती, जमीला अभी अच्छी, व इन और अगर, कुन्तुन्ना तुरिदनल्लाहा तुम चाहती हो अल्लाह, व रसूलहू और उसका रसूल, व दारुल आखिरता आखरत का घर, फ़इन्नल्लाहा पस बेशक अल्लाह, आदा तैयार किया है, लिल मुहसिनते नेकी करने वालियों के नाम, मिन कुन्ना तुम में से, अजरन अजीमा बड़ा अजर। अब हम इसके बाद मुहावरा तर्जुमा करते हैं। ऐ पैगंबर अपनी बीवियों से कह दो, अगर तुम दुनिया की ज़िंदगी और इसकी ज़ीनत व आराइश की तलबगार हो तो आओ मैं तुम्हें कुछ माल दूँ और अच्छी तरह से रुख्सत कर दूँ, और अगर तुम अल्लाह और इसके पैगंबर और आकिबत के घर यानी बहिश्त की तलबगार हो तो तुम में जो नेकोकारी करने वाली हैं इनके लिए अल्लाह ने अजर अजीम तैयार कर रखा है। या निसा अन नबी, ए नबी की बीवियों, मन जो कोई, या ते लाए मुर्तकिब हो, मिन कुन्ना तुम में से, बिफाहिशतिन बेहुदगी के साथ, मुबैनते खुली, मुबैनतिन यज़ाफ बढ़ाया जाएगा, लाहा इसके लिए, लाहल अजाबो अजाब, ज़ेफ़ैन दो चंद, वकाना और है, जालिका ये, अला पर, अल्लाह अल्लाह यसीरा आसान। ऐ पैगंबर की बीवियों, तुम में से जो कोई सरीह नाशायस्ता अल्फाज कहकर रसूल अल्लाह को ईज़ा देने की हरकत करे इसको दूनी सज़ा दी जाएगी, और ये बात अल्लाह को आसान है। वमन और जो, यकनुत अतात करे, और जो तुम में से अल्लाह और इसके रसूल, मिन कुन्ना तुम में से, लिल्लाही व रसूल ही अल्लाह की और इसका रसूल, मतामल और अमल करे, सालेहन नेक, नूतेहा हम देंगे इसको, और जो तुम में से अल्लाह और इसके रसूल की अतात करे, अतात और फरमा बरदार रहेगी और नेक अमल करेगी, इसको हम अजरहा इसका सवाब, मर्रा तैने दोहरा, वातदना और हमने तैयार कर रखा है, लहा इसके लिए, रिस्कन करीमा इज़्ज़त का रिस्क, दूना सवाब देंगे और इसके लिए हमने इज़्ज़त की रोज़ी तैयार कर रखी है। तो स्टूडेंट्स आपने इन आयात का लफ्ज़ ब लफ्ज़ तर्जुमा और बा मुहावरा तर्जुमा याद करना है, और अल्फाज मायने भी याद करने हैं, और की बुक से आपने इससे रिलेटेड शॉर्ट क्वेश्चन भी याद करने हैं।